तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेके आया हुआ है। तो अभी तक हमने जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में समझा है, तो देखिए उसे किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस उठाया हुआ है उस टाइप के क्वेश्चंस उठाए हैं जो आए तो हुए हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस है वो बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चंस है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस इन द सेंस जैसा आपने पढ़ाया है बिल्कुल वीडियो में बन जाएगा और ये भी आप देखेंगे तो बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज कर दे चीज़ें। तो एक बार आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में। ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सिविल सर्विस एग्जाम IAS का जो एग्जाम होता है उसमें 2006 में आया हुआ है। अब हमको लगता है कि अरे इतना टॉप एग्जाम में आया हुआ है तो ये तो हमारे एग्जाम्स में आएगा ही नहीं SSC JEE में। तो आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन SSC JEE में नहीं आया है लेकिन इसको घुमा घुमा के क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। इवन ये जो क्वेश्चन है आपको वो खुरमी में भी मिल जाएगा। तो एक बार देखिए क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, बताइए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? ऑप्शन है, क्या लग रहा है आपको? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होगा, एक्सटेंसिव होगा, इंटेंसिव होगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, बस सब हवाबाजी चल रहा है? तो क्या लग रहा है आपको, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? तो एक बार अगर हम लोग समझते हैं तो देखते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर एंटायर सिस्टम, एंटायर मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है पूरे सिस्टम का वो सम है देयर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। इंडिविजुअल पार्ट्स का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, तो ये बॉडी मान लीजिए आपका 10 kg का है तो ये आपका एंटायर सिस्टम हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये आपका जब बॉडी को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो सभी का एडिशन होगा ना, एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल पार्ट। तो मान लीजिए कि 10 kg की बॉडी है तो इसको हमने 2.5 kg में डिवाइड कर दिया। तो ये बोल रहा है क्या कि अगर इसका एडिशन पूरा मिलकर ये बनता है तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दो तरीके का प्रॉपर्टीज देखा था, एक चीज़ तो ठीक है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के बाद नहीं आएगा, ये तो आपका कहीं से लिंक ही नहीं कर रहा है। आपका चांसेस बन रहा है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेकर बन रहा है। अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें तो सपोज मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए कि एग्जांपल जैसे मैं ले रहा था, मान लीजिए 10 kg की बॉडी है तो ये अगर मान लीजिए सबको इंडिविजुअल पार्ट में अगर डिवाइड किए हैं तो 2.5 kg के अगर डिवाइड किए हैं तो 2.5 kg को अगर आप ऐड करोगे तो फाइनली आपको कितना केजी दिख जाएगा? 10 kg मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सपोज मैं बात करता हूँ वॉल्यूम का, तो अगर अलग अलग कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेफिनेटली चेंज हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मान लीजिए कि सपोज इस बॉडी का टेम्परेचर एक एग्जाम्पल ले लीजिए 20°C है, तो ये बताइए कि जब इस बॉडी को आप अलग अलग करोगे तो टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मतलब यहाँ भी आपके हर एक बॉडी का टेम्परेचर 20°C रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि चार पार्ट है तो 20°C है, चारों को मर्ज करेंगे तो 80°C बन जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको ये चारों को मिला के इसकी प्रॉपर्टी चारों के एडिशन के बराबर होती है तो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? तो याद करिए हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर मैं मास को आधा करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी आधी हो जाती है, अगर मैं मास को चार पार्ट पे डिवाइड करूँगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी से चार पार्ट पे डिवाइड होगी। जैसे मास है 10 kg को चार पार्ट पे डिवाइड किया तो 2.5 kg हो गया, 2.5 kg को ऐड करूँगा तो अगेन 10 kg बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी क्या है, कहीं ना कहीं मास पर डिपेंडेंसी दिखा रही है, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने पे ओवरऑल वो ऐड हो जा रहा है। तो डेफिनेटली ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, ये होगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चंस में देख रहे हैं कैसा ट्विस्ट किया है, पढ़ा हुआ वही चीज़ है, कंसेप्ट बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है इस तरीके से ट्विस्ट करता है, ठीक है। SSC JEE में भी आता है इस तरीके क्वेश्चंस, I1 एक साल आया भी हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है उसमें यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दे, ठीक है। तो ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर आपके अलग अलग जो बॉडीज है वो मिल के क्या है, ओवरऑल आपकी प्रॉपर्टी को शो कर देते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन फेम होगा वो क्या होगा, उस वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट्स, या क्वेश्चन इस तरीके से फेम करेगा क्या कि द एंटायर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है।
एंटायर बॉडी ऑफ द सिस्टम इज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो नॉट डिपेंड्स का मतलब क्या है कि अगर इसको इंडिविजुअली करेंगे तो भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, और ओवरऑल अगर आपकी बॉडी है तो भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी वो चीजें आपको क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो इस पर डिपेंडेंसी तो दिख ही नहीं रहा है कि ऐड करने पर वो ऐड हो चुका है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, ये जो आपका है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आप इन लाइन नोट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या कि ये जो आपका है एंटायर सिस्टम, ठीक है, एंटायर सिस्टम प्रॉपर्टी, ये जो आप नोट में लिख सकते हैं एंटायर सिस्टम प्रॉपर्टी इज नॉट डिपेंड्स ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको क्या बनेगा, इसका आपको बनेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा घुमा के पूछता है। आपको बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप कितना भी नोट्स कॉपी चार्ट लो, अगर आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में डेफिनेटली पढ़ा हुआ चीज़ गलत करके आओगे, तय बात है ये, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एसएससी जी 2017, मैं आपको बता ही रहा हूँ आजकल ट्रेंड यही चल रहा है, या तो यहाँ नॉट बोलेगा या कोई स्टेटमेंट में इनकरेक्ट घुसाएगा। दिमाग में हमारे क्या भरा रहता है कि करेक्ट है, ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, एक्चुअली क्या है कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में जो चीज़ें करेक्ट है तो वो करेक्ट ही हम लोग रीड कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर वो चीज़ें इनकरेक्ट लिखी हुई रहती है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखिए, सबसे पहला चीज़ एंट्रोपी एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अभी तक तो हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी थर्मो का जो नेक्स्ट अब के लेक्चर्स जो भी आएंगे उसमें जैसे जैसे चैप्टर से डील करेंगे तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, या एंट्रोपी सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस बोला हुआ है कि नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इन एक्सटेंसिव नहीं है, ठीक है, अब वो इंटेंसिव है कि क्या है, वैसे इंटेंसिव होगा बट कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंसिव कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताया था कि एनर्जी का जितना भी फॉर्म है वो सब की सब कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मास पे डिपेंड करती है, तो एनर्जी के जितने भी फॉर्मेट है वो सब क्या बनेंगे आपके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एंट्रोपी, एंट्रोपी आपको क्या बताया था एनर्जी का फॉर्मेट है, तो एंट्रोपी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई एक्सटेंसिव। आगे बात करते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये भी आपकी बन गई एक्सटेंसिव। आगे बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या बात कर सकते हैं, ये आपको कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ये आपको बनेगा एक्सटेंसिव। बात करते हैं डेंसिटी को लेकर, ठीक है, जो हमारा डेंसिटी है वो किस टाइप का प्रॉपर्टी होगा, जो हमारा डेंसिटी है, तो देखिए अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मास पे अगर देखेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला यूज़ करने से इस पर स्ट्रिक्टली मना किया है कि फॉर्मूला यूज़ करके इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के पीछे मत भागिएगा। सीधा सीधा आपको एक डब्बा बनाना है, इसको हाफ करना है, हाफ करने पर मास आधा हो गया है, मास आधा करने पर आपको जो भी प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी, मान लीजिए मास आधा किए जो प्रॉपर्टी आधी हो गई वो आपकी क्या बन जाएगी, मास पर डिपेंड कर जाएगी, तो एक्सटेंसिव बन जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी की बात करेंगे तो मान लीजिए अगर किसी कंटेनर के अंदर वाटर रखा हुआ है तो अगर इसको हाफ करेंगे तो क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो आपका डेंसिटी कौन सा बन गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर आप इसको फॉर्मूले के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपका डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब आप बोलोगे कि यार डेंसिटी तो मास पर डिपेंड कर रहा है, तो डेंसिटी आपका मास पर डिपेंड कर रहा है तो ठीक है, मास आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मास एक्सटेंसिव है, लेकिन वॉल्यूम भी तो एक्सटेंसिव है, और जब दो आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, वो आपको मिलता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इस चीज़ को, तो एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। एक तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका ये है जो थ्योरी से पूछता है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, तो इस तरीके का आपको दुनिया भर का एग्जाम्पल ऐसा दिखेगा जो आपको क्वेश्चंस के अंदर जाके घुसा देगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप देखिए, अब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हैं,
ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा आएगा वो आपको बन जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें कन्फ्यूज़न होती है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन के पैटर्न के क्लियर हुए होंगे कि पैटर्न आपका कैसा चल रहा है और चीज़ें आपको कैसे क्लैरिफाई हो रही है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाय करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।